दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है 18 जुलाई, दिन है मंडे और अभी टाइम हो रहा है 1:05 दिन के, और मैं जस्ट अभी घर से निकला हूँ दोस्तों। और आज लेट हो गया था, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और कल भी मेरा ब्लॉग नहीं बना पाया था, कल संडे था तो थोड़ा सा तबीयत डाउन थी जिसकी वजह से मैं कल छुट्टी पे भी था और ब्लॉग भी नहीं आ पाया मेरा। तो अब दोस्तों तबीयत अब ठीक हो गई है और आज मैं थोड़ा सा लेट निकल रहा हूँ। और दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ, मेरे काफी व्यूवर्स की डिमांड्स हैं कि मैं कैसी, मतलब वैसे तो मैं आपको अपनी अर्निंग की पूरी डिटेल्स दिखाता ही हूँ, मतलब कितनी मेरी अर्निंग डेली की होती है, कितनी मेरी सीएनजी लगती है और कितनी बार मेरे को सीएनजी डलवानी पड़ती है। तो मेरे काफी व्यूवर्स हैं जिनकी मतलब डिमांड है कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं उनके लिए जिसमें ये बताऊं कि एक बार में अगर मैं सीएनजी फुल कराता हूं तो उसमें फिर मतलब कितनी अर्निंग हो जाती है उस दौरान। तो आज मैं आपसे वही बात करने वाला हूं। तो आज मैं आपको बकायदा लाइव दिखाऊंगा आपको, ठीक है, कि मेरी आज की कितनी मैंने सीएनजी डलवाई, कितनी मेरी अर्निंग हुई, पूरे दिन में गाड़ी कितने किलोमीटर चली, ठीक है, ये सब सारी जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। तो अभी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आप साइड में देख लीजिए, मैं मीटर अपना जीरो कर देता हूँ और सीएनजी मैंने फुल करा रखी है, सीएनजी मतलब फुल है मेरी। और अब मैं यहाँ से अपनी ट्रिप स्टार्ट कर देता हूँ और आपसे फिर आगे मिलता हूँ और पूरी डिटेल्स मैं आपको पूरी बताऊंगा, मेरी कितनी गाड़ी चली और कितना मैंने अर्निंग करी, पूरी मतलब सिलेंडर में एक बार सिलेंडर में कितनी सीएनजी लगी, ये सारी डिटेल्स मैं आपको शाम तक जितना भी होता है एक सिलेंडर में जब होगा तो मैं आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं, मैं राइडें थोड़ी सी कर लेता हूँ फिर उसके बाद आपसे बात करूंगा कि मतलब क्या है सारी मतलब पूरी डिटेल्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो कोशिश करना वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो मुझे भी थोड़ा सा मतलब खुशी होगी और मेरी वीडियो आगे मतलब और भाइयों के पास भी जाएगी जो भाई इस लाइन में मतलब आना चाहते हैं, जो इस लाइन में सोचते हैं कि मतलब इस लाइन में हाथ डाले या ना डाले, कितना प्रॉफिट हो जाता है, ये सब चीजें आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो मैं अब यहाँ से निकलता हूँ और ट्रिप स्टार्ट कर लेता हूँ, देखता हूँ कहाँ से कहाँ की ट्रिप मिलती है, सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ओके। तो दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ द्वारका सेक्टर 9, अभी लास्ट ड्रॉप मेरा द्वारका सेक्टर 9 में हुआ है। लास्ट ड्रॉप मैं लेकर आया था एम्बियंस मॉल गुड़गांव से, द्वारका सेक्टर 9 आईटीएल स्कूल के पास छोड़ा है। तो दोस्तों आज दिन में मैंने ब्लॉग बनाते वक्त आपको बताया था कि मैं आज मतलब मेरे न्यू व्यूवर्स की डिमांड्स थी कि वो चाहते थे कि मैं एक बार एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें एक बार सिलेंडर फिल होने पे कितनी अर्निंग आती है और कितने मतलब गाड़ी एवरेज देती है और कितनी गाड़ी में मतलब आप कमा लेते हो। तो ये सब चीजें मैं आज इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। और अभी मेरा लास्ट ड्रॉप हुआ था, तो लास्ट ड्रॉप होते होते मेरा जो सीएनजी थी वो बिल्कुल खत्म हो गई थी, कस्टमर को मतलब ड्रॉप करने जा रहा था, 1 किलोमीटर उसके डिस्टेंस रह गई थी तब मेरी सीएनजी फिनिश हो गई थी, तो सीएनजी मतलब पेट्रोल पर आ गई थी। तो आप ये पहले वीडियो देख लीजिए, पूरा लाइव में दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, और कोई भी ड्राइवर भाई ऐसा नहीं दिखाएगा आपको कि मतलब पूरी चीज लाइव दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो आप देखिए पहले ये वीडियो मेरी सीएनजी की। तो दोस्तों लास्ट ड्रॉप मेरा हो गया है और ये आप देख सकते हैं मेरी सीएनजी हो गई है खत्म, और जो सीएनजी की मतलब जो चली है गाड़ी मेरी 179.8 किलोमीटर, मतलब ये 1 किलोमीटर में पेट्रोल पे चलाई है तो 178 पर मेरी गाड़ी मतलब पूरी आप यहाँ से देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखा दूँ सीएनजी मतलब पूरी रेड पे हो गई थी, रेड के बाद बिल्कुल खत्म हो गई है। तो ये मेरी अभी 178 किलोमीटर गाड़ी चली है, ये आपको मैं लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ दोस्तों, और कोई भी ड्राइवर भाई या और कोई भी बंदा आपको ऐसे नहीं दिखाएगा कि कितनी गाड़ी चली है, कितनी अर्निंग हुई है। तो दोस्तों आपने वीडियो देखी और इसमें आपने आपको पता लग गया होगा मेरी मतलब जो है गाड़ी कितने किलोमीटर चली है। तो गाड़ी चली है टोटल 180 किलोमीटर, मतलब 179 कुछ किलोमीटर है, ठीक है, और इसमें 1 किलोमीटर पहले ही सीएनजी खत्म हो चुकी थी, तो 178 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है आज दोस्तों।
तो मतलब ये लगा लीजिए इसमें 178 में मेरी दो ट्रिपें लंबी लंबी हुई है, एक फर्स्ट द्वारका से मानेसर, फिर मेरा एक दिल्ली ओखला से गुड़गांव सेक्टर 56। तो मतलब दो ट्रिप मेरी इसमें लंबी लंबी हुई है। और अब हम बात कर लेते हैं अर्निंग के ऊपर, अर्निंग पे आ जाते हैं हम दोस्तों। तो आप ये जानने के लिए मतलब इच्छुक होंगे कि आप अर्निंग कितनी हुई होगी। तो अर्निंग में आपको विद रिकॉर्डिंग विद स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा, ठीक है, कोई भी वो नहीं है इसमें। आप जो इतनी अर्निंग हुई है वो सारी चीज मैं आपको क्लियर करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं कि मैं ऊबर की ऐप खोल लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और ऊबर की ऐप खुल रही है। और इसमें आप ये फ्रंट खुलते ही आप देखिए यहाँ पर मेरी अर्निंग आ गई है 1917 रुपये की दोस्तों, ये अर्निंग है आज की, ठीक है। और इसमें जब 1917 रुपये की तो अर्निंग है, प्लस इसमें 330 रुपये का टोल है, एक 30 रुपये का ग्वाल पहाड़ी का टोल है, और एक हरियाणा का स्टेट टैक्स है, दो MCD टोल है दोस्तों। तो जो टोल है वो 300, मतलब टोटल तरीके से 30 रुपये मेरे लगे हैं, बाकी 300 रुपये मेरे बस आए हैं, क्योंकि MCD टोल है दो और एक स्टेट टैक्स है। 300 रुपये ये आ गए, 1917 रुपये की अर्निंग हुई है। तो 1917 प्लस 300 2217 रुपये मतलब टोटल आज का काम हुआ है। और मतलब CNG जो आप जानना चाह रहे होंगे कितने की CNG डली थी, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ विद लाइव प्रूफ और बकायदा प्रूफ के साथ में। आप यहाँ साइड में देखिए 653 रुपये की मेरी CNG जिस टाइम मैंने डलवाई थी आज दिन में, और मतलब ये लगा लीजिए उस टाइम मेरी गाड़ी रेड पे थी, रेड पे कम से कम मेरे पास 1 किलो CNG पहले से ही थी। तो मतलब 100 रुपये तक की CNG मेरे पास थी, 653 की है, 750 रुपये राउंड फिगर मान के चलिए, 750 रुपये की CNG मेरे पास थी आज गाड़ी में जब मैंने डलवाई थी। तो 750 में से आप टोल को हम हटा देते हैं, 1917 को माइनस करते हैं 750 से, 1167 रुपये की अर्निंग मतलब निकल के आ रही है नेट। तो आज की मतलब जो अर्निंग आई है मेरे पास 1167 रुपये की अर्निंग आई है दोस्तों, प्लस 300 रुपये का टोल है। तो टोल को आप ऐड कर लो या कुछ भी कर लो, वैसे तो मैं अलग ही रखता हूँ टोल को, क्योंकि टोल तो एक तरीके से पे ही किया जाता है, पर ये है कि मेरे पास है तो उसका मेरे को बेनिफिट हो जाता है कि मतलब चाहे मैं एक पूरे दिन में एक चक्कर मारूँ या 10 चक्कर मारूँ, पर ये है कि हमें पूरा टोल का अमाउंट मंथली पे करना पड़ता है, 3,000 का पास लेना पड़ता है, तो कई बार हम जा नहीं पाते तो वो उसका कवर अप हो जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से ये लगा लीजिए टोल को आप हटा ही लीजिए, आपकी जो नेट इनकम आ रही है वो 1167 रुपये की आ रही है, और जिसमें से CNG आपकी 750 रुपये की पूरी इसमें लगी है। तो दोस्तों मैं हमेशा आपसे बोलता था कि काम ठीक ठीक है, बस आपका जो सेविंग का ग्राफ है वो गिरा हुआ है। गिरा हुआ इसलिए है क्योंकि CNG बहुत महंगी है। तो ये दोस्तों आज मैंने आपको पूरा बकायदा लाइव दिखाया आपको, ठीक है ना, कितना मतलब एक बार में सिलेंडर फिल करने पे गाड़ी चलती है। तो ये 178 किलोमीटर जो चली है 750 रुपये की CNG थी, इस वजह से इसकी एवरेज आई है, नहीं तो जो CNG आती है 550-600 तक में आ जाती है। तो उसमें क्या है कि ये नहीं है कि आप ये समझो कि 178 ही हमारी गाड़ी देगी, नहीं दोस्तों, लंबी ट्रिप में एवरेज अच्छी निकल जाती है, ट्रैफिक नहीं होता जिसकी वजह से। तो ये लगा लीजिए जो ऑन एवरेज है एक बार सिलेंडर फिल करवाते हैं तो हम 150 से लेके 170 तक की मैं अपनी मान के चलता हूँ मेरी गाड़ी देती है, और भाइयों की देती नहीं देती, क्योंकि सबकी गाड़ी चलाने का तरीका अलग होता है, सबके पंजे का फर्क अलग होता है, किसी का हल्का पंजा होता है जिसकी वजह से एवरेज अच्छी निकल जाती है, किसी का भारी होता है। तो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है, और सबसे ज़्यादा मायने रखती है दोस्तों दिल्ली का जो ट्रैफिक है। अगर आप ट्रैफिक में किसी एक राइड में जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो उस जगह आपके CNG बहुत जल्दी कंज्यूम होती है। तो ये मत सोच के चलिए कि मतलब हमेशा 178 की ही एवरेज देगी गाड़ी निकाल के, तो क्योंकि आपका अगर पूरे आप दिल्ली में ट्रैफिक में चल रहे हो तो कभी कभी 135 140 पे भी ख़त्म हो जाती है, तो कभी कभी 150 भी देती है। तो 150 मेरी जो गाड़ी देती है वो 150 से 170 एक बार CNG फिल कराने पे दोस्तों देती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और आपको आज ये सारी जानकारी मिल गई होगी। काफ़ी भाई मतलब व्यूवर जानना चाह रहे थे कि एक बार में CNG फिल कराने पे कितनी कमाई हो जाती है,
तो ये मैंने आपको विद लाइव प्रूफ दिखाया है, ठीक है। और कोई भी मेरे ख्याल से यूट्यूबर या कोई भी अदर जो इस लाइन में होंगे वो विद प्रूफ के साथ दिखाते हैं। सब बोलते हैं अपने मुंह से कि हमने इतने का ये करा है, हमने ये इतने का किया है। मैंने आज आपको पूरा लाइव दिखाया है, मेरी CNG कितने किलोमीटर पे खत्म हुई है, 0 मीटर मैंने किया था, 0 की मैंने आपको फोटो दिखा दी है, ठीक है। उसके बाद मेरी CNG कितने की डली है और मेरी अर्निंग कितनी हुई है और ऊबर में टोल कितना मिला है, ये सब चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में पूरी क्लियर कर दी है। तो अगर आपका कोई भी सवाल है दोस्तों, अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मेरी वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए। मतलब ये तो है कि कभी कभी हो जाता है, क्योंकि दिन के टाइम दोस्तों हम लोग गाड़ी चलाते हैं पूरे टाइम, मतलब रोड पे रहते हैं, तो हो सकता है कई बार आपके मैसेज का रिप्लाई लेट देता हूँ, पर देता ज़रूर हूँ हर मैसेज का, मैं हर भाई का रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी आपको लाइक ज़रूर कर देना, और जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे वीडियो को उतनी ज़्यादा मेरी वीडियो आगे जाएगी और भाइयों के पास पहुँचेगी। जो भाई जानना चाहते हैं, इस लाइन में आने की सोच रहे हैं, या पहले देखते हैं कि सर्च करते हैं कि मतलब उनको एक अच्छी सी वो मिल जाए कि जानकारी, जिससे वो किसी लाइन में हाथ डालने से पहले हर चीज़ को मतलब एक तरीके से सर्च करना होता है कि भाई इस लाइन में जाना ठीक है या नहीं ठीक है। तो दोस्तों बातें करते रहेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं भी अब टाइम हो गया है घर जाने का, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर मेरा घर है, द्वारका सेक्टर 3 में मैं रहता हूँ, तो अब घर से फ़ोन आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आज थोड़ा घर से मतलब दिन में लेट निकला था, नहीं तो मोस्टली क्या है कि 7 या 8 बजे तक घर हम पहुंच जाते हैं, कभी कभार तो ऊबर डायरेक्टली मतलब लोकेशन लगाते नहीं है, उससे पहले ही घर पहुंचा देता है, 5 बजे भी पहुंचा देता है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट अर्निंग पे, टिल देन बाय।